तो हाई दोस्तों नमस्कार, आप देखो जीएसएम ऑनलाइन, मैं हूं का यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर एक 25 साल पुराना गेमिंग कंसोल। एक्चुअल में ये 25 साल पुराना नहीं है, मैंने लिया है लास्ट वीक, बट यहां पर इसके अंदर जो गेम्स हैं वो 25 साल पुरानी है। चाहे आप मारियो की बात करो, कॉन्ट्रा की, पता नहीं, रेमैन, सोनिक, इतनी सारी गेम्स हैं। और मैंने जब इसे प्ले किया, आप विश्वास नहीं करोगे, 2 घंटे तक मैं इसे प्ले करता गया। ठीक है, वो मुझे फ्लैशबैक हुआ जब हम बचपन में करते थे। एक्चुअली हम 34-35, तो 25 साल पहले ये मैं गेमिंग करता था। ठीक है, तो मैं कभी ये बाय नहीं कर पाया था इस कंसोल को उस टाइम, या फिर गेम्स को, क्योंकि उस टाइम थोड़े सिचुएशन कुछ अलग थी। और इसी ये वीडियो को बनाने का मेन रीज़न क्या है, मेरी जो गुड़िया है 9 साल की है, एक्चुअली वो सनी और अपने दूसरे जो उसके चाचा हैं उनके साथ गेम प्ले करती है अपने आईपैड पर पबजी का। तो उसे लगता है कि जब सनी प्ले करता था, जब बचपन में था, उसकी एज में था, या मैं था, कि हम भी पबजी प्ले करते थे। बच्चों को नहीं पता कि उस टाइम क्या था। ठीक है, फ्रूट निंजा जब प्ले करती है, या फिर जो भी आज की डेट में गेम्स वगैरह बच्चे खेलते हैं, तो उसको लगता है कि हाँ हम भी वही खेलते थे। एक्चुअली हमें ये बताना जरूरी है अपने बच्चों को, हमारा जो बैकग्राउंड है, यहाँ से हम आए हैं, जो पहले हुआ करता था, आपको भी पता है सब कुछ गायब हो चुका है। चाहे हम कंचों की बात करें, चाहे जो भी है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो इसीलिए मैंने बाय किया, और आपसे भी मैं हल्की सी शेयर करूंगा टेक्निकली हम की ये कितना डिफरेंस डालती है 25 साल पुरानी एक गेमिंग कंसोल आज के 5000 के मोबाइल को भी कॉम्पिटिट नहीं कर सकती। तो चलिए मिलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर ये जो कंसोल है, इसे रिट्रो आर्केड बोलते हैं, और चाइना में ये काफ़ी अभी फेमस हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कंसोल, गेम पैड, एवी केबल, यूएसबी केबल, यूजर मैनुअल इसके अंदर मिलेगा, बाकी 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो मैं आपको बताता हूँ कि जो उस टाइम गेमिंग होती थी वो 32-bit और 64-bit की रोम के साथ जो हम कैसेट डालते थे गेम में, और वो ना तो 3D थी ना तो 2D थी। लैक ऑफ यानी टेक्नोलॉजी वहाँ पर उस टाइम भी जब वो प्रोग्रामिंग होती थी वो बहुत अलग तरीके से होती थी। अगर आपने पीसी में एक गेम प्ले किया जिसमें एक हेलीकॉप्टर जाता था, उसे हमने बचाना होता था टच हिट होने से, सेम वैसे ही वो भी 32-bit की गेमिंग थी। तो यही वो सेम चीज़ है। और अगर मैं ऐसे ओपन करता हूँ बॉक्स को, यहाँ पर एक बॉक्स है हमारे पास जिसे मैंने ओपन किया, और एक मैनुअल है। आज के ज़माने में तो हम आज की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके मैनुअल नहीं पढ़ते, तो 25 साल पुराने प्रोडक्ट का मैनुअल हम क्या पढ़ेंगे। यहाँ पर रिमोट दिए गए हैं, ओके, इसमें बाद में आपको दिखाता हूँ, ओके। और अंदर केबल्स वगैरह हैं, एवी आउटपुट है, NTSC पॉल सिस्टम के साथ जो काम करता है, और USB भी आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर मैं गेम को बाहर निकालता हूँ यहाँ पर, और ये कुछ ऐसा है देखने में, आप भी देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये हैंडल दिया गया है। अगर आपने यहाँ पर प्ले करना है सिंगल, या फिर आप 2 रिमोट लगाकर 3 प्लेयर भी प्ले कर सकते हो। अगर इसे मैं आपको दिखाऊं हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, यहाँ पर 2 USB मिल जाएंगी, एक यहाँ पे हेडफोन की या फिर AV आउटपुट जो देंगे, microSD स्लॉट मिल जाएगी, USB जो कि V3 जैक लगेगा, यहाँ पर पावर बटन है, और यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल के लिए ये बटन दिया गया है जिसे हम स्क्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पावर बटन को अगर मैं ऐसे दबाता हूँ तो ऐसे कुछ इसकी जो डिस्प्ले है ऑन होगी, ठीक है, और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है जो मैं नज़र मुझे आ रहा है जब हम प्ले करते हैं। एक्चुअली कंपेयर टू आज की गेमिंग वगैरह तो काफ़ी यार डिफरेंस है, बट फिर भी ये आप देखिए, सबसे जो मेन बात है यहाँ पर गेम्स आपको ना चाइनीज़ में मिलेंगी। तो आपको ढूंढनी पड़ेगी आपने कौन सी गेम मतलब कि प्ले करनी है, कैसे करनी है, बट आइडिया हो जाता है। जैसे सिमुलेशंस हैं यहाँ पे, ट्रांसप्लांट गेम्स हैं, TF गेम्स हैं, काफ़ी हैं यहाँ पर, GBA, SFC, काफ़ी ऑप्शंस आपको दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं पहली गेम को प्ले करता हूँ, मॉर्टल कॉम्बैट, अगर आपको याद हो, ठीक है, तो ये 64-bit गेमिंग है। उस टाइम हमें लगता था कि इसके आगे कुछ आ ही नहीं सकता, तो ऐसा कुछ है। अगर आज इसको डेवलप करना हो तो ये 10 मिनट का काम है, सिर्फ कोड को कॉपी करना, उठाना और डालना, बट उस टाइम ये काफ़ी मुश्किल काम था। ओके, तो राउंड 1, ये ऐसे कुछ गेम प्ले होता था, आपको याद होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे है कि आप अगर आपने गेमिंग की है तो आपको याद होगा कि
कैसे हम गेम प्ले करते थे, कैसे हमें आता था। आज की डेट में PS4 आ चुका है, एक्सबॉक्स आ चुका है, PS4 के पता नहीं कितने वर्जन हैं, उसके बाद लैपटॉप्स हमारे जो हैं गेमिंग PCs हैं उसमें NVIDIA ग्राफिक, रेडियन ग्राफिक सब कुछ आपको मिल जाता है। इवन कि NVIDIA ने 2060 Ti तक को लॉन्च कर दिया, 2080 Ti को लॉन्च कर दिया है जो कि गेमिंग के लिए है। तो यहाँ पर आप खुद डिफरेंस देखिए 25 साल पहले ये गेमिंग कैसी थी और आज कैसी है। आप में से कितने लोगों ने इसको प्ले किया है, सेगा गेम को जो भी प्ले किया मुझे बताइए। मैंने इसको आपके साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि हमारे टाइम में टेक्नोलॉजी कैसी थी। और यहाँ पर अगर आप बात करोगे गेम प्ले की, तो गेम प्ले आपको बिल्कुल नॉर्मली मिलेगा जो उस टाइम मिलता था। कोई इतनी बड़ी गेम्स नहीं है कि आप बोलो कि जैसे आज आप पबजी प्ले करते हो या दूसरी गेम्स को प्ले करते हो, बट यहाँ पर आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि उस टाइम जो आप प्ले करते थे, देखते थे, आज भी आपके पास है, आप अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को दिखा सकते हो। तो यही था कुछ यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ और कुछ ऐसी वीडियोज़ आप देखना चाहते हो मुझे ज़रूर बताइए। यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं यूज़ करता हूँ, अगली बार मैं आपको दिखाऊँगा और कुछ नया ऐसा जो मैंने आपको बोला था कि हम अपना कॉन्टेंट चेंज करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो आप बताइए कि आपने अपने बच्चों को यहाँ पर क्या दिखाया जो आप बचपन में करते थे। अगर आपके बच्चे होंगे तो आप क्या दिखाओगे, अगर आपके अभी नहीं है, और अगर आपके बच्चे ऑलरेडी हैं और आपने उनको क्या समझाया। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूलिएगा, सोशल मीडिया के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर कॉन्टेंट पसंद आता है। मिलेंगे जल्दी ऐसे नहीं टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखो यहाँ पर।